दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास देखने से पहले आप पहली क्लास और दूसरी क्लास जरूर देखें जियोमेट्री की, तभी आज की क्लास समझ में आएगी। दोस्तों अगर आपने क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहली और दूसरी क्लास को जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरुआत करते हैं घन एवं घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न मैंने लेकर आया है, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा दोस्तों, तो ये दिए गए नंबर पे आप मैसेज करें अपना नाम लिख करके, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा ताकि स्टडी मटेरियल व पीडीएफ वगैरह इसमें आपको मिल सके। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है कि पहला सवाल दिया हुआ है, एक घनाकार टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक और टंकी खुली हो तो इसकी खुली हो तथा इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। दोस्तों एक घनाकार टंकी है, ठीक है, इस प्रकार से एक घनाकार टंकी है, कहना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है इसका, खुला हुआ है, मतलब कितनी सतह है कुल इसकी, 5 सतह है। तो दोस्तों हम लोग जब घनाकार टंकी का जो सतह है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला क्या है दोस्तों हमारा, 6a² हमने ही पढ़ा था। लेकिन एक सतह का जो खुली है, एक सतह क्या खुली हुई है, इसका मतलब कितनी सतह है दोस्तों, 5 सतह है। तो चलिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है 5 into a² अब दोस्तों ए स्क्वायर का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2, तो यहाँ पर रख देंगे आप 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 तो आ जाएगा कितना दोस्तों, 20 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल हल करना है, क्योंकि घन है और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई हो या लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो वो सभी कितनी होंगी दोस्तों, सभी कितनी होंगी, 2 मीटर होंगी, ठीक है, सभी कितनी होंगी, 2 मीटर, इसलिए मैंने 5 × 4 किया, 20 मीटर हमारा आंसर आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है, 3 मीटर, चलिए दोस्तों सवाल आपके सामने आ गया है, 3 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर हो। तो चलिए सवाल करना बहुत ही आसान है, आपको ईंटों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईंटों की संख्या बराबर, क्या करेंगे सबसे पहले, दीवार का क्या निकालेंगे, आयतन, और फिर निकालेंगे ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन बटे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ईंट का आयतन निकालेंगे, ईंट का आयतन, तो दीवारों का आयतन, तो दीवारों की माप कितनी दी गई है, 3 × 1.5 × 0.4 बटे ईंट, ईंट की मान कितना दिया है, वैल्यू कितनी दी गई है, 0.30, इसका दिया 0.15 मल्टीप्लाई, इसके बाद दिया है कितना, 0.08, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर लेंगे, ईंटों की माप लिख लेंगे। तो चलिए अब दोस्तों मैंने ऐसे क्यों लिखा, आप लोगों लग रहा हो सर 0.3 क्यों लिखा, दोस्तों क्योंकि हमें इधर ऊपर देखेंगे जो कहना चाहिए दीवारें हैं वो किसमें दी गई, मीटर में, और ईंटें किसमें दी गई हैं, सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने भी क्या किया इसको चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वैल्यू जाएंगी, मतलब कि 0 लगेगा तो ऊपर हो जाएगा कितना, 300, यहां से 2 जीरो ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगा, 150, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 बटे, नीचे कितना हो जाएगा, 30 गुणा, फिर हो जाएगा कितना, 15 गुणा, कितना हो जाएगा, 8। दोस्तों यहां से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो टोटल जो निकल कर आने वाला है, जगह इधर नहीं है, मैं इधर बता देता हूं आपको, 10 × 10 × 5 = कितना जाएगा, 500 ईंटें आने वाली हैं, कितने ईंटें आ जाएंगी, 500 ईंटें आएंगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। डिवाइड करना है कि शून्य से शून्य काटोगे, 30 धाम 300, 15 × 15 ये हो जाएगा 10, और 8 × 5 = 40, तो 10 × 10 × 5, यही मैंने लिखा, 10 × 10 × 5 = 500 ईट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर है, उसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की लंबाई ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या करना है, झील की लंबाई चौड़ाई और क्रमशः दिए 40 10, तो मुझे पहले झील की ऊंचाई भी तो निकालना पड़ेगा, ऊंचाई यानी गहराई, तो क्या करूंगा, L × B × H = कितना दिया है, 1200 घन मीटर, तो मैं यहां से गहराई निकालूंगा तो कितना जाएगा, 1200 बटे L
गुणा बी, तो एल कितना है 40, बी कितना है 10। यहां से मैं इस प्रकार से काटूंगा तो कितना जाएगा 3, तो एच बराबर कितना जाएगा 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको कितनी गहराई जाएगी टंकी की, 3 मीटर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्या दिया हुआ प्रश्न नंबर 4, एक घनाभ की भुजाएं 2:4:8 में है जिसका आयतन एक घन के बराबर है, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। सिंपल सी चीज है, जिनका आयतन क्या है बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं घनाभ का आयतन लिख दूं यहां से, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 2:4:8 बराबर, घन का आयतन कितना होता है 1 क्यूब। ठीक है अब मैं यहां से ए निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आएगा 1 क्यूब, और यहां पे आ जाएगा 4:1 क्यूब, यानी मेरे पास जो वैल्यू ए की वैल्यू निकल गई, ए इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो मैं क्या करूंगा यहां पर लिखूंगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बटे क्या लिखूंगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है बराबर। फार्मूला इसका क्या है दोस्तों, 2 LB, ठीक है, धन BH। दोस्तों इधर जगह नहीं है तो मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूँ फार्मूला को, क्या है 2 LB धन BH धन HL बटे घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, सॉरी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A2। चलिए वैल्यू रख देते हैं 2:8। 8 क्यों आया दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख दिया L×B से, 4×2 8 धन BH मतलब क्या हो जाएगा 8×4 32 धन HL मतलब हो जाएगा 8×16 बटे 6 मल्टीप्लाई A2। A का मान कितना दोस्तों 4, तो A2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 56, और 56 आ जाएगा, यानी कि काटना भी पड़ेगा हमको, है ना। चलिए मैं आपको जोड़ कर दिखा देता हूँ, 32, 8, 40, 10, 50 और 6, 56, इसलिए मैं लिख दिया 56 क्योंकि 2 से 2 3 6 मैंने काट दिया ऑलरेडी। तो बट्टे में कितना जाएगा, बट्टे 3×16, फिर 16×16 से 56 काट देंगे तो कितना बार कट जाएगा 7 बार, है ना, यानी 16×2 32, 16×3 48, 16×4 64 नहीं कटेगा दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा, 3 से काटना पड़ेगा, 3 से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, 4 से कट जाएगा, 4×16 और 4×1 4, 1 बचा तो 4×16 कितना आ गया 14, फिर 2 से कट जाएगा, 2×2 4, 2×7 14, तो आंसर जाएगा 7/3×6, यानी कितना आ गया 7:6, ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो ये है इनके प्रश्नों का क्षेत्रफल का अनुपात 7:6। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 क्या है, 6 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर विमा वाले, ठीक है, घनाभ से कम कुल कितने घनाभ सॉरी कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते हैं इसको, मैंने ट्रिक आप लोगों को बता रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना है घनाभ का आयतन निकालना है, L×B×H=2, है ना, और घन का आयतन क्या है दुगुना बोल रहा है ना, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम, बिल्कुल कम से कम बोला है ना। तो क्या करेंगे हम, L=2 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, B=9 सेंटीमीटर और H=12 सेंटीमीटर। तो कम से कम जब भी बात आएगी दोस्तों, कम से कम की मतलब वहां पर हमको क्या निकालना है HCF, तो मैं इसका HCF निकालूंगा, तो HCF कितना जाएगा, HCF आएगा इसका 3, कितना जाएगा 3, और यही 3 कहलाएगा A बराबर 3 यानी भुजा। तो क्या करना पड़ेगा, आपस में इनका आयतन निकालो, 6×9×12 बराबर मुझे निकालना है नंबर ऑफ क्यूब, तो 1 क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो N=2 कितना हो जाएगा 6×9×12 बटे 3×3×3, आपस मल्टीप्लाई करेंगे 3×2 6, 3×3×9, 3×4 12, यानी N बराबर 2×3 6 और 6×4 24, तो कितने घन बना पाएंगे अपन लोग, 24 घन बना पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग सवाल को हल कर सकते हैं, तो ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को बनेंगे। चलिए
प्रश्न नंबर छह देखिए, प्रश्न नंबर छह क्या कह रहा है, एक टंकी घनाभ के आकार की है, ठीक है, इसमें अधिकतम 540 घन मीटर पानी आ सकता है, यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी हुई हो। तो ठीक है दोस्तों, घनाभ जो है या जो घनाकार टंकी है घनाभकार की, तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे सबसे पहले, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला सबको पता है, ठीक है, कितना दिया गया सवाल में 540 मीटर क्यूब। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यानी L गुणा B गुणा H बराबर 540 मीटर क्यूब सवाल में दे रखा है। मुझे क्या ज्ञात करना है, गहराई ज्ञात करना है, तो गहराई मतलब H यहीं रहने देंगे, 540 मीटर क्यूब बटे L गुणा B, L कितना दिया है 8 और B कितना दिया है 15 दिया है। तो चलिए आपस में क्रॉस डिवाइड कर लेंगे, देखो कैसे काटेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा 8 × 8 8 × 5 = 40, और 8 से नहीं कटेगा दोस्तों, 15 से काट लेते हैं, 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा काटेंगे तो हो जाएगा 4.5 मीटर जाएगा, कितना जाएगा 4.5 मीटर, लेकिन टंकी कितना भरी हुई है 2/3 भरी हुई है, इसलिए मुझे 4.5 का 2/3 भी करना पड़ेगा, और जब 2/3 करूँगा तो यहाँ दशमलव हटाऊँगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 15 से काटूँगा तो कितना जाएगा, टोटल 2 भी कटेगा तो 3 मीटर गहराई आ जाएगी। कैसे करेंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 45/10 गुणा में 2/3 तो है ही है, 5 3 से काट देंगे तो भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 × 3 3 × 3 बचा 3 × 5 = 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 3 = 15 5 2 = 10 तो हो जाएगा 3 2 = 9 फिर 2 से 2 भी कट जाएगा 3 बच जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, आज का लास्ट सवाल है, प्रश्न नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल निकालिए, तो घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, घन का आयतन दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब मुझे इसकी एक भुजा निकालनी पड़ेगी, तो ए क्यूब बराबर 125 है, तो ए बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया, तो मुझे एक फलक का क्षेत्रफल निकालना, मतलब एक भुजा का, तो सिंपल चीज है, अगर एक फलक का मुझे निकालना क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का वर्ग मतलब 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे सवाल का हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ा दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें, अभी ट्यूटोरियल के नाम से है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए धन्यवाद।